दोस्तों, अगर आप भी शुमन गिल और अभिषेक शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले बारिश ने डाला मैच में खलल और उसके बाद खेला गया हैदराबाद और गुजरात के बीच मुकाबले में सुपर ओवर, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। तो आखिर जब अंतिम गेंद में चाहिए थे 6 रन, तो कैसे अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले की धार से नतमस्तक किया पूरा क्रिकेट जगत। 12 गेंद में कैसे पलट गया आईपीएल का पूरा इतिहास। दोनों टीमों के बीच खेले गए सुपर ओवर के रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन यह मुकाबला बारिश के कारण जल्द समय पर शुरू नहीं हो सका। मूसलाधार बारिश होने के कारण टॉस में भी देरी हुई। घंटों इंतजार और संघर्ष के बाद दोनों अंपायरों और कप्तान ने मिलकर डिसीजन लिया ये मुकाबला केवल 6-6 गेंदों का खेला जाएगा। जब बारिश चली गई तो उसके बाद दोनों कप्तान मैदान में टॉस उड़ाने के लिए आए। सिक्का उछाला गया तो गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में गिरा। फिर उन्होंने अपने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी वहीं हैदराबाद को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मैच शुरू होने से पहले ही अंपायरों ने निर्णय लिया कि यह मुकाबला केवल 1-1 ओवर का खेला जाएगा और इस मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम में बैठे दर्शक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोनों टीमों के फैंस अपनी अपनी टीम के लिए दुआ मांग रहे थे और वहीं आज का मुकाबला हैदराबाद को जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि कोलकाता की टीम पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर मौजूद है। अगर ये मुकाबला हैदराबाद जीतती है तो पूरी तरह से क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन वहीं गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर मौजूद है। इस मैच में गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर डेविड मिलर के साथ शुभमन गिल उतरे और इन दोनों बल्लेबाजों को देखकर यही लग रहा था कि इनके इलाके कुछ अलग मैदान पर उतरे हैं, बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के कप्तान पैट कमिंग्स, यानी कि मुकाबला बेहद ही टॉप लेवल का होने वाला था। स्ट्राइक पर खड़े थे डेविड मिलर। जब पैट कमिंग्स ने पहली गेंद पर डेविड मिलर के सामने डाली तो डेविड मिलर ने अपने अंदाज में उस गेंद को तारामंडल का दर्शन कराते हुए पहली गेंद को स्टेडियम के 4th स्टैंड में भेज दिया और अपनी टीम का खाता छक्के के साथ खोलकर डेविड मिलर इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। पैट कमिंग्स की दूसरी गेंद को उन्होंने करारा शॉट लगाते हुए चौके में तब्दील कर दिया। गुजरात के स्कोर 2 गेंद पर 10 रनों तक पहुंच गया और ये दोनों बल्लेबाज बेहद अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। पैट कमिंग्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तीसरी गेंद पर उन्होंने डेविड मिलर को ऐसा चकमा दिया कि वह अपना विकेट गंवाने से बच गए। वहीं पैट कमिंग्स की 4th गेंद को डेविड मिलर ने सिंगल ले लिया, यानी कि 4 बॉल पर गुजरात का स्कोर 11 रन बन चुका था। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे शुभमन गिल और पैट कमिंग्स के अंतिम 2 गेंद पर शुभमन गिल ने 2 खतरनाक चौके जड़कर गुजरात के सामने 6 गेंदों में 23 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया और इस मुकाबले को जीतने के लिए हैदराबाद को 24 रनों की जरूरत थी। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आए अभिषेक शर्मा के साथ ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड। वहीं गुजरात की तरफ से बॉलिंग करने आए राशिद खान और इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया, टीम का खाता खोला। मगर हैदराबाद को जीत के लिए 5 गेंद पर 18 रनों की जरूरत थी। राशिद खान बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। उनकी दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए एक और छक्का जड़ दिया। अब हैदराबाद को जीतने के लिए 4 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी, लेकिन राशिद खान ने अपनी तीसरी गेंद पर इतनी खतरनाक फेंकी कि अभिषेक शर्मा को कुछ समझ ही नहीं आया। वह सिंगल के लिए कि अब स्ट्राइक पर पहुंच चुके थे ट्रेविस हेड और टीम को जीत के लिए 3 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत थी। राशिद खान जब 4th गेंद को फेंकने के लिए कदम आगे बढ़ाए तो गेंद काफी कर ट्रेविस हेड ने उनकी गेंद को पढ़ लिया और शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को तेजी की तरफ बढ़ा दिया। फिर उन्होंने अपना खाता खोल दिया और अब केवल हैदराबाद को जीत के लिए 2 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत थी। राशिद खान ने जब 5वीं गेंद फेंकने के लिए दौड़ लगाए तो ट्रेविस हेड ने अपने अंदाज में आ चुके थे और 5वीं गेंद को उन्होंने अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए छक्के में तब्दील कर अपनी टीम को कभी न भूलने वाली ऐतिहासिक जीत 1 गेंद पहले ही दिला दी और ये मुकाबला हैदराबाद ने सुपर ओवर में शानदार जीत दर्ज कर ली। वहीं गुजरात टाइटन को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करने वाली है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।